और सफाई स्कैंडल नाला बहुत बड़ा स्कैंडल है, और वो जो बहुत बड़ा स्कैंडल है उसके अंदर किस किस लोगों ने पैसा खाया है वो जांच का विषय है। कल कुछ लोग कह रहे थे नाले के ऊपर लेंटर डाल दिया, पानी आ गया। अरे लेंटर डाला किसने? लेंटर डालने वाले अधिकारी कौन है? किसकी परमिशन से करा? AEE JEE XEN सारे उसके अंदर शामिल है, ये जांच का विषय है। अरे नालों का करोड़ों रुपया रोज सुबह लेबर लगती है और कोई जांच करने का प्रयास नहीं करता कितनी लेबर है, और लेबर कहाँ की है? बाहर की। खाता कहाँ है? कोई नहीं है। ये म्यूनसिपैलिटी के जो लोग ये कहने का प्रयास करना चाहते थे उसके ऊपर लेंटर डाल दिया। अरे भैया, इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास हमको नहीं करना होगा, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है, जितना नुकसान लोगों का हुआ है, घरों के अंदर पानी, बेड के अंदर पानी, नीचे पानी, ऊपर पानी, और कहते हैं कि ये जो है इसको इनक्रोच किया गया। अरे बाबा, जब इनक्रोच किया गया तब वो बाकी डिपार्टमेंट के लोग सोए हुए थे। कोई भी नाला, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, कोई भी नाला जिसका सरफेस आज तक बना ही नहीं है, क्योंकि पानी चलता रहता है, वो तब बनाते हैं जब पानी चलता रहता है, और नीचे कभी लेंटर नहीं डालते, जिसके कारण वो सिल्ट जमा होती रहती है, और जब सिल्ट भर जाती है नाला भर जाता है, और नाला भरने के उपरांत लोगों के घरों की बर्बादी कहाँ हुई? ये राजीव नगर के अंदर हो गई। अरे ग्रीन बेल्ट पार्क, ये नानक नगर, और शहर के प्रमुख रेशम घर कॉलोनी, जीवल चौक, सब जगहों के अंदर पानी लोगों के घरों में जाकर के, खास करके रसोई के अंदर जाकर के घुस गया, बच्चों के किताबें ख़त्म हो गई। लेकिन आज सिर्फ वहाँ जाकर के एक नेता जाता है, सहानुभूति प्रकट करता है, महाराज बड़ा दुख होया। अरे पैसे किस किस ने खाए? जब पैसे खाए तब दुख नहीं हुआ? एक तो पुली चली गई, मैं कहता हूँ जो पुली गई है किसने बनाई है, किस ठेकेदार ने बनाई है, वो जांच का विषय है। माननीय उपराज्यपाल जी, आप बड़ा प्रयास कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन धरातल के ऊपर जो चोर हैं, डाकू हैं, जैसे आपने 11 बंदों के विषय के अंदर एक कानून लागू करा, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर हुआ। ओ महबूबा मुफ्ती को बड़ा कष्ट हुआ, पहली बार हुआ कि 11 लोगों को पकड़ करके, वो कौन? सलाउद्दीन, जब उसके बेटों को पकड़ा, बड़ा कष्ट हुआ जी उसको। अब उसके बारे में भी प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, जब आप इतने अच्छे कदम उठा रहे हैं, तो फिर ये जो चोर उचक्के डाकू, नाले वाले डाकू, और नाले के ऊपर बैठे हुए डाकू जो उनसे कमीशने लेते हैं, वो कहाँ हैं? उनको पकड़ करके अंदर करना चाहिए, और एक इंक्वायरी होनी चाहिए जो शॉर्ट पीरियड की, 5-7 दिन की हो, जिसमें ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये करोड़ों रुपये का स्कैंडल, मैं कहना चाहता हूँ, ये नाला सफाई स्कैंडल करोड़ों रुपये का, और नाले